अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने वाला टॉपिक है। पहला सवाल हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर वेन। पार्ट वन में हमें गिवन है एन पी आर इक्वल टू 210 एंड एन सी आर इक्वल टू 35। ठीक है, तो हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें एन पी आर और एन सी आर गिवन है, तो एन पी आर और एन सी आर के लिहाज से हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे कि एन पी आर बराबर होता है एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल के। ठीक है, बुक में इसको आप देखेंगे कि एनसीआर बराबर होता है एनपीआर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल के, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनपीआर गिवन है किसके बराबर है 210 के, एनसीआर किसके बराबर है 35 के, आपका आर फैक्टोरियल वैसे रहेगा 35 मल्टीप्लाई में। जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 210 डिवाइड बाय 35। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे 210 डिवाइड बाय 35, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6। चूंकि यहां पर लेफ्ट साइड पर फैक्टोरियल है, तो हमें राइट साइड पर भी फैक्टोरियल बनाना होगा ताकि इसको हम कंपेयर करवा लें। तो आपने पढ़ा होगा, इससे पहले लेक्चर में आपको काफी बार पढ़ाया है कि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 3 to the 6, यदि कि 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल के बराबर। तो इस तरह आपको दिख रहा है कि अगर हम कंपेयर करें इसको, तो जो हमारा r है वो बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो इस तरह हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, n और r की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो r किसके बराबर है हमारा 3 के। अब हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो नाउ हम जानते हैं कि एनपीआर बराबर होता है 210 के, और एनपीआर का फॉर्मूला मैं आपको परम्यूटेशन में पढ़ाया था, आप एनसीआर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास आर है वो किसके बराबर है 3 के, तो इसका मतलब हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब नीचे से हमें क्या करना है, एन माइनस 3 का होल फैक्टोरियल को खत्म करना है। तो ये बात मैं आपको काफी बार पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं कि n फैक्टोरियल, तो जिसके साथ फैक्टोरियल होता है, जैसे कि n फैक्टोरियल है हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ फैक्टोरियल होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, यानी कि n लिखाएगा, उसके बाद उसमें हम एक माइनस करते हैं यानी कि n माइनस 1, देन फिर एक और एक माइनस करेंगे यानी कि n माइनस 2, और फिर जब एक और एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 3। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इस तरह हम कम करते करते कहां तक जाते हैं, 1 तक। लेकिन अगर जब कभी भी हमें 1 से पहले रोकना होता है तो हम फैक्टोरियल के साथ रोकते हैं। ठीक है, इसका मतलब n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं किस तरह, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह n माइनस 3 से n माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमने क्या किया, इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया, n मल्टीप्लाई n, n स्क्वायर, एन मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2 एन, माइनस 1 मल्टीप्लाई एन माइनस एन, और माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस का 2। इसी तरह अब इस n को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और 210 को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, तो n क्यूब माइनस 2 एन माइनस एन होगा माइनस 3 एन, तो जब ये n मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 एन स्क्वायर प्लस 2 एन माइनस का 210। चूंकि यहां पर क्यूब है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था इसमें हम अपनी मर्जी से एक वैल्यू पुट करते हैं n की, वो वैल्यू पुट करेंगे जिस पे हमारा आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, और जिस पे आंसर 0 हो जाएगा वही n का आंसर होगा। ठीक है, तो पुट n इक्वल टू 7, जब मैं n इक्वल टू 7 पुट करूंगा और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको दिखेगा कि बोथ साइड आपका क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि जो 7 जो है इसका सॉल्यूशन है, तो हम लिखेंगे देयर फोर एन इक्वल टू 7, इसका मतलब n बराबर हो गया 7 के, और जो हमारा r है वो किसके बराबर हो गया, 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r।
और हमें जो कंडीशन गिवन है कि m माइनस वन सी आर माइनस वन एन सी आर एन प्लस वन सी आर प्लस वन, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि एन सी आर जो है ये बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो यहां पर जो n है वो n माइनस वन के बराबर है, जो r है वो r माइनस वन के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन n माइनस वन माइनस r माइनस वन, ठीक है। तो जब माइनस के बाद जब दो टर्म आएगा तो आप जानते हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे यानी कि माइनस आर, और ये माइनस का वन क्या बन जाएगा आपका, प्लस का वन। सिमिलरली एनसीआर को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। सिमिलरली यहां पर जो एन है वो एन प्लस वन के बराबर है और जो आर है वो आर प्लस वन के बराबर है। तो यहां पर आप फॉर्मूला पुट करो, एन प्लस वन का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल एन प्लस वन, चूंकि माइनस के बाद ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पर ये वन से ये वन आपका कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहां पर भी ये वन से ये वन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे यानी कि ए रेशो बी रेशो सी को हम इसको अलग अलग लिखेंगे, यानी कि पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर, यानी कि ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, थ्री रेशो सिक्स के। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि n का मतलब होता है हमारे पास, सबसे पहले हम n लिखेंगे और उसके साथ में फिर हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे यानी कि n माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। और इसी तरह यहां पर r माइनस वन है तो इस तरफ भी हम r माइनस वन बनाते हैं, चूंकि रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ताकि हमारे पास क्या होगा, कैंसिल वगैरह। तो r फैक्टोरियल का मतलब होगा सबसे पहले हम r लिखेंगे, उसके बाद r में से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ठीक है। मैं बताया था ये बिल्कुल चलते जाता है, लेकिन अगर आपको वन से पहले रुकना होता है तो आप फैक्टोरियल के साथ रुकते हो, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, जो चीज आपके पास कैंसिल हो रहा है तो आप जानते हो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद वाले को हम रेसिप्रोकल करते हैं। इस तरह हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करो, यानी कि एन माइनस आर से एन माइनस आर कैंसिल, इसी तरह आपके पास n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल, ठीक है। यहां पर एक n माइनस वन नहीं है बल्कि ये n माइनस आर है, ठीक है। तो ये n माइनस आर और एक आपके पास बेसिकली क्या है, सॉरी, r माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये r माइनस वन से ये r माइनस वन भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास यहां बचेगा r और यहां क्या बचेगा, n, यानी कि r अपॉन n किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 के। यहां से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, यानी कि n हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2r के, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, बाद वाले को कंसीडर करेंगे और अगेन यहां पर हमें पता है रेशियो है तो हमें कैंसिल करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सिम्प्लीफाई, ठीक है। यानी कि एन प्लस वन डिवाइड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमने क्या किया है, सिम्प्लीफाई के r प्लस वन को हम लिख सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये r प्लस वन का होल फैक्टोरियल है ना, तो r प्लस वन का होल फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था जिसके साथ फैक्टोरियल होता है सबसे पहले उसको हम वैसे लिखते हैं, यानी कि r प्लस वन उसमें एक माइनस करते हैं, जब r प्लस वन में एक माइनस करोगे तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, बच जाएगा r। फिर जब r में एक माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, r माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ठीक है, सही है। तो इसी तरह मैंने यहां पर क्या किया है, r प्लस वन, सॉरी, मैंने यहीं पर इसको के r फैक्टोरियल को स्टॉप कर दिया ताकि हमारा r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो n माइनस आर से n माइनस आर हमारा कैंसिल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल हमारा कैंसिल,
एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, आर प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। और पीछे हमने क्या किया था, एन की वैल्यू फाइंड किया था, सॉरी आर के, आर किसके बराबर था, सॉरी एन बराबर था टू आर के, तो एन की जगह पर हमने क्या कर दिया, टू आर पुट कर दिया। ये प्लस का इलेवन है, जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का इलेवन। ठीक है, यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, तो सिक्स मल्टीप्लाई टू कितना होता है, ट्वेल्व आर, ट्वेल्व आर को जो आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व आर, इलेवन माइनस ट्वेल्व आर आपके पास क्या होगा, माइनस का आर, माइनस से माइनस कैंसिल, आर किसके बराबर हो गया, फाइव के। इस आर की वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू ट्वेंटी, एन इक्वल टू टेन। अगला हमारे पास है, आपको फाइंड सिक्स सी आर फाइंड करना है, तो 12 सी आर इक्वल टू 12 सी आर प्लस 4, ये आपको गिवन है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, तो इस वाले को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहां पर एन 12 के बराबर है और आर तो आर के बराबर है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 12 सी 12 माइनस आर, और ये बराबर होगा 12 सी आर प्लस 4 के। तो आप कंपेयर कर लो, तो 12 12 के बराबर, सी सी के बराबर, यानी कि 12 माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस 4 के। यहां से आप आर की वैल्यू निकालो, तो ये माइनस का जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर, ये प्लस का 4 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो 12 माइनस 4 कितना होगा हमारे पास, 8। यहां से हमारा जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, 2 अंदर 2, 2 फोर द 8, तो आर किसके बराबर हो गया, 4 के। ठीक है, तो नाउ यहां पर हमें 6 सी आर नहीं बल्कि 6 सी 4 फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो सिंबल हमारे पास आपको या तो उसको कैलकुलेटर से निकाल लो, या आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर, तो मतलब 6 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। 6 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 4 पे ही हम स्टॉप कर देंगे, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। अब बाकी इसको आप सिम्प्लीफाई कर लो, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 30, और 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2, तो जब 30 को 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 15। इसी तरह हमारे पास अगेन एन सी 12 इक्वल टू एन सी 10, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, यानी कि एन सी 12 को हम लिख सकते हैं n माइनस 12 करके। ठीक है, तो यहां कंपेयर करवा लो, तो n माइनस 12 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, तो यहां से n किसके बराबर हो जाएगा, 22 के। अब आपको फाइंड करना है नाउ, तो n सॉरी यहां n था 25 सी एन, तो आपके पास n किसके बराबर हो गया, 22 के। तो आप सिंबल क्या करो, यहां पर वैल्यू को पुट कर दो, और फिर आप क्या करो, सिम्प्लीफाई। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे समझाने के लिए यहां पर इसको बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।